हेलो एवरीवन वेलकम टू दिस चैनल जूलॉजी नोट्स आज मैं आपको बताऊंगी सैंडविच इलायसा और कॉम्पिटेटिव इलायसा के बारे में इससे पहले मैंने डायरेक्ट इलायसा और इनडायरेक्ट इलायसा के बारे में बता चुकी हूँ तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी अगर आपने नहीं देखा होगा तो वहाँ से देख लीजिएगा तो चलिए जानते हैं सैंडविच इलायसा के बारे में इन सैंडविच इलायसा द एंटीजन इज हेल्ड बिटवीन द एंटीबॉडीज इट इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स सैंडविच इलायसा में मेथड एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में होता है उसका प्रोसेस कुछ इस तरीके से है द माइक्रोटाइटर वेल इज कोटेड विथ ए नॉन क्वान्टिटी ऑफ एंटीबॉडी माइक्रोटाइटर वेल एंटीबॉडी की जाना हुआ क्वांटिटी के साथ कोटेड किया जाता है द सैम्पल एंटीजन इज अप्लाइड ऑन द टाइटर वेल सैम्पल एंटीजन को टाइटर वेल पर लगाया जाता है द वेल इज वॉश टू रिमूव अनवाउंड एंटीजन अनवाउंड एंटीजन को हटाने के लिए वेल को धोया जाता है ए स्पेसिफिक

टू ए कलर प्रोडक्ट एंजाइम रिड्यूस करता है सबस्टेट से एक कलर प्रोडक्ट में द इंटेंसिटी ऑफ कलर इज मेजर्ड फिर उस कलर की इंटेंसिटी को मेजर किया जाता है फोर्थ कॉम्पिटेटिव इलाइसा इन कॉम्पिटेटिव इलाइसा द सैंपल एंटीजन कॉम्पिट्स विद द नॉन एंटीजन टू बाइंड द एंटीबॉडी इस इलाइसा में सैंपल एंटीजन को बाइंड करने के लिए एक जाना हुआ एंटीजन के साथ कॉम्पिट्स करता है एंटीबॉडी में इसमें क्या होगा कि सबसे पहले माइक्रोटाइटर वेल इज कोटेड विथ एच एंटीजन माइक्रोटाइटर वेल एच एंटीजन के साथ कोटेड किया जाता है ब्लड इज टेकन फ्रॉम ए पेशेंट सफरिंग फ्रॉम एच आई इन्फेक्शन एंड सेंट्रीफ्यूज टू रिमूव ब्लड एंड लार्ज प्रोटीन द रिमेनिंग फ्लूड इज एंटी सीरम इसमें ब्लड को लिया जाता है जो सफ़र करता है एच आई से और उसके बाद उस ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करते हैं ताकि उसमें ब्लड और लार्ज प्रोटीन बाहर निकल सके और जितना भी फ्लुएड बचेगा वो एंटीसीरम कहलाएगा और उसको प्राइमरी एंटीबॉडी भी बोला जाता है द प्राइमरी एंटीबॉडी इज लिंक्ड विद द सैंपल एंटीजन टू फॉर्म सैंपल एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स प्राइमरी एंटीबॉडी लिंक्ड करेगा सैंपल एंटीजन के साथ और बनाएगा एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स इट इज एडेड टू द एच आई बी एंटीजन कोटेड वेल, well. इसको ऐड किया जाएगा फिर एच आई वी एंटीजन कोटेड में डिग्री सेल्सियस फॉर टॉट थर्टी सेवन डिग्री फॉर थर्टी मिनट्स फिर माइक्रोटाइट प्लेट को इनक्यूबेटेड किया जाता है फोर डिग्री सेल्सियस ट्वेल्व आवर के लिए या फिर थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस फॉर थर्टी मिनट्स के लिए द मोर एंटीजन प्रेजेंट इन द सैंपल द लेस फ्री एंटीबॉडी विल बी bind टू बाइंड टू द एंटीजन कोटेड वेल सैंपल में जितना अधिक एंटीजन होगा वेल पर लगे एंटीजन को बाइंड करने के लिए उतना ही कम एंटीबॉडी उपलब्ध होगा किसी भी मेथड को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उस मेथड को पढ़िए और इमेजिन कीजिए कि आप वो मेथड लैब में कर रहे हो ऐसे में आपको वो मेथड बहुत जल्दी याद हो जाएगा और बहुत देर तक याद भी रहेगा एग्ज़ाम के लिए सबसे अच्छा बेटर है कि आप उस मेथड को इमेजिन करके ट्राई करो याद करने का ये सबसे अच्छा तरीका है किसी भी मेथड को याद करने का द माइक्रोटाइटर वेल इज ट्रॉफरी वास्ड विदर टू रिमूव अनवाउंड एंटीबॉडीज इन द एच आई बी एंटीजन माइक्रोटाइटर वेल को वॉश किया जाता है वॉश वाफर के साथ अनबाउंड एंटीबॉडीज को एच आई बी एंटीजन से रिमूव करने के लिए एच आई बी इज इंजेक्टेड इन टू ए गॉट आफ्टर फोर आवर ब्लड इज टेकन एंड सेंटीफ्यूज टू गेट एच आई बी एंटीसीरम दिस एंटीसीरम कंड्री एंटीबॉडी एचआईवी इंजेक्टेड किया जाता है गॉट में फिर चार घंटे के बाद ब्लड लिया जाता है और सेंट्रीफ्यूज द्वारा एंटीसीरम प्राप्त किया जाता है यह एंटीसीरम को सेकेंडरी एंटीबॉडी कहा जाता है द एंजाइम हॉर्स रेडिस पेरोक्सीडेस इज लिंक्ड टू द सेकेंडरी एंटीबॉडीज बाय मिक्सिंग एंजाइम हॉर्स रेडिस पेरोक्सीडेस को लिंक किया जाता है सेकेंडरी एंटीबॉडीज में मिलाके मतलब मिक्स करके

ऐड किया जाता है फिर माइक्रोटाइटर वेल में इसे इंक्यूबेटेड किया जाता है थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस पर थर्टी मिनट्स के लिए ताकि सेकेंडरी एंटीबॉडी का बाइंडिंग प्राइमरी एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स के साथ फैसिलिट करने के लिए द वेल इज वॉस्ड विद वॉश वफर फिर वेल को वॉश किया जाता है वॉश वफर में द सबस्टेट ऑर्थोफिनाइलिन डाई एम इन इज एडेड टू द वेल एंड इंक्यूबेटेड फॉर थर्टी मिनट्स सब्सट्रेट ऑर्थोफिनाइल डायएमीन डाइहाइड्रोकोराइट को ऐड किया जाता है वेल में और इनक्यूबेटेड किया जाता है थर्टी मिनट के लिए हर्सरेडीस पेरोक्साइड इज रिड्यूस द सब्सट्रेट इनटू ए कलर कंपाउंड हर्सरेडीस पेरोक्साइड इज रिड्यूस करता है सब्सट्रेट से कलर कंपाउंड को कलर चेंज इन द वेल इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ एंटी एचआईवी एंटीबॉडीज इन द वेल कलर चेंज होना ही वेल में इंडिकेट करता है एंटी एच एंटीबॉडीज के होने के वेल में एप्लीकेशन ऑफ एलाइसा एलाइसा की एप्लीकेशन एलाइसा इज यूज स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर एच एलाइसा का उपयोग एच के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट के रूप में भी किया जाता है इट हेल्प टू डिटेक्ट रेट्रा वायरस इन द ये फेसेस में रोटावायरस डिटेक्ट करने में हेल्प करता है इट हेल्प टू डिटेक्ट हेपाटाइटिस बी इन दीरम ये सीरम में हेपाटाइटिस बी को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है इलाइसा टेस्ट और इट हेल्प टू डिटेक्ट एंट्रोटॉक्सिन ऑफ ईकोलाई इन द फीस इकोलाई के फेसेस में एंट्रोटॉक्सिन को डिटेक्ट करने में भी एलाइसा बहुत उपयोगी है